क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हैकर के विषय में जानते हैं जिन्होंने समय समय पर पूरी दुनिया को अपने हैकिंग स्किल से चकित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं उन बेस्ट हैकर के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनकी इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत बोलबाला है। वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकने की ताकत रखते हैं। उन्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, बल्कि उन लोगों ने अपने आप ही बहुत सी नामुमकिन चीजों के ऊपर महारत हासिल कर रखी है। आज हम ऐसे ही प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर की एक बड़ी लिस्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। प्लीज आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक। आजकल का जमाना वेब का है, जहां सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जिसे हम ग्लोबल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। इसलिए किसी के भी पर्सनल जोन में झांकना बहुत ही आम सा बात है। मेरे पर्सनल जोन का मतलब है केवल सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन प्रेजेंस। ये www एक बड़ा सा हब बन गया है, जहां की इंफॉर्मेशन को स्टोर और रीस्टोर किया जाता है। इसे सबसे सेफेस्ट वैल्यू माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये कंप्यूटर जीनियस के हाथों का खिलौना जैसा है, जो जब चाहे अपने काम निकलवा सकते हैं। जहां अच्छाई है, भला बुराई पीछे कैसे रह सकती है। इसलिए इन वेब दुनिया में हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, विलन्स, क्रैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, साइबर पायरेट्स जैसी कई चरित्रे भी हैं, जो कि ऐसी दुनिया के मसीहा माने जाते हैं। ये उन लोगों के लिए एक खिलौने का बड़ा सा मैदान सा है, जो कि अपने खिलौने का इस्तेमाल कर कोई भी चीज कर सकने की काबिलियत रखते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने एक ऐसी ही हैरान कर देने वाले हैकर्स की एक लिस्ट पेश करूं, जिन्होंने कि अपने समय समय में कारनामों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो बिना देरी किए चलिए ऐसे कुछ वर्ल्ड फेमस हैकर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका मैंने सबसे पहले नंबर पे नाम रखा है ग्रे मैकिनॉन। ग्रे मैकिनॉन एक बहुत ही क्यूरियस और रेस्टलेस बालक था, जिसे की एलियंस और यूएफओ के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त की जाए, जिससे वो ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 में यूएस मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस इंस्टॉल किया और उनके अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीजें वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन यही क्यूरियोसिटी ने उसे बाद में पकड़वा दिया। मैकिनॉन को बहुत ही जल्द दोषी करार दिया गया, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से हैक किया था, वो भी लंदन से। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी खराब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस में वेबसाइट में पोस्ट कर दी। इससे पता चलता है कि मैकिनॉन को आम लड़का नहीं था। उसने यूएस मिलिट्रीज वॉशिंगटन नेटवर्क को, जहां की 2000 कंप्यूटर्स मौजूद थे, उसे उसने 24 आवर्स के अंदर में बंद कर दिया था। माना जाता है कि पूरी इतिहास में इससे पहला इतना बड़ा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कभी किसी ने पहले नहीं किया था, और उस समय का बहुत ही बड़ा बेहतरीन हैकिंग माना जाता था। दूसरे नंबर पे ल्यूजसेक। ल्यूजसेक सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर्स ग्रुप, जिसने तब लोगों की नजर में आई जब उन्होंने सोनी न्यूज इंटरनेशनल, CIA, FBI, स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरे नोटवर्दी अकाउंट्स को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतनी ज्यादा नोटोरियस है कि इन्होंने न्यूज कॉरपोरेशन अकाउंट तक को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश कराई कि रूपर्ट मर्चर अब और नहीं रहे। ये ग्रुप ये क्लेम करती है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने इन नीच ड्यूटीज से, लेकिन उनका मोटो जो की है तुम्हारी सिक्योरिटी पर हम हंसते हैं सन 2000 से अभी भी जिंदा है। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट्स में हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। बहुतों का मानना है
कि ये ग्रुप बस लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में स्थित कमियों के विषय में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड थर्ड नंबर पे जो मैंने रखा है, एड्रियन लेमो ने अपने करियर में स्विच करना चाहा, जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके स्किल्स में है, वो तब एक बड़ा न्यूज बन गया जब उसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और द न्यू यॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया, जिससे बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही एक अमेरिकन थ्रेट एनालिसिस की उपाधि भी मिल गई, जो बाद में उसे बहुत काम आई। एक ऐसा लड़का जो कि बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को आम जगह जैसे कैफेटेरियाज, लाइब्रेरीज, इंटरनेट कैफे में बैठकर हैक कर लेता था। बाद में उसे विकीलीक्स के सस्पेक्ट ब्रैडली मैनिंग को भी FBI के द्वारा अरेस्ट करवाया, जहां मैनिंग को कई सेंसिटिव US गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। वहीं लेमो फिर से हाइडिंग में चला गया, या आप कह सकते हैं वो अंडरकवर में FBI साथ काम कर रहा था। नंबर चार पर मैथ्यू बेवन और रिचर्ड्स प्राइस, इन दोनों पेरेंट्स ने ओवर सेंसिटिव नर्व्स को टारगेट किया, जहां पर इन दोनों ने मिलकर USA और नॉर्थ कोरिया के बीच इशू खड़े कर दिए। इन दोनों ने US मिलिट्री कंप्यूटर्स को हैक कर लिया, उसके इस्तेमाल में फॉरेन सिस्टम में घुसते चले गए। इन्होंने कोरियन ऑटोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण कंटेंट्स को USAF सिस्टम में अपलोड कर दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंटेंट साउथ कोरिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कम वॉलेटाइल थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बन सकता था। नंबर पांच, रॉबिनहुड के विषय में कौन नहीं जानता, जो कि हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था, लेकिन उसके काम करने का अंदाज बाकियों से अलग था। ठीक उसी तरह अब के डिजिटल एज में डिजिटल रॉबिनहुड मौजूद है, जो कि रॉबिनहुड की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है, अपना एलियास नाम एनोनिमस रखा, और वो अपने सपोर्टर्स के बीच डिजिटल रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं, शॉर्ट में उन्हें एनोन्स भी कहा जाता है। वो हमेशा गवर्नमेंट, रिलीजियस और कॉरपोरेटिव वेबसाइट्स को अपना निशाना बताते हैं, जैसे कि द वेटिकन, द FBI, द CIA, पेपाल, सोनी, मास्टर कार्ड, वीजा, चाइनीज, इजरायली, टेंशियन जैसे बहुत से मुख्य टारगेट रह चुके हैं उनके अंदर। उनके ग्रुप के मेंबर्स का कहना है कि वो केवल इंटरनेट सेंसरशिप और कंट्रोल को अटैक करने हैं। नेक्स्ट है अस्त्रा। अस्त्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है वीपन। यह एक हैकर का दूसरा नाम है। यह हैकर केवल वीपन स्टीलिंग और सेलिंग ही करता था। यह एक 58 ईयर ओल्ड ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने कि फ्रेंड्स के डेसॉल्ट ग्रुप को हैक कर लिया, उनके वल्नरेबल वीपन्स टेक्नोलॉजी डाटा को चुरा लिया और करीब 5 सालों तक उन्हें अलग अलग देशों में बिक्री करता रहा। हैरानी की बात है कि अब तक ऐसे किसी हैकर को पकड़ा नहीं गया है और उसकी तलाश सन 2002 से अभी तक जारी है। सूत्रों के अनुसार अस्त्र ने लगभग $360 मिलियन की डाटा को बेच दिया है, जो कि कंपनी को बहुत डैमेज किया है। एंड नेक्स्ट है अल्बर्ट गोंगलेज। आपकी इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है? जब मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के विषय में बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट कितने सेफ हैं। लगभग 2 साल तक अल्बर्ट गोंगलेज ने नेटजेंस के क्रेडिट कार्ड को की चोरी करी। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। यहां पर अल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और ATM नंबर्स को रिसॉल्व किया। इसके लिए उसने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा चुराता था। इस अपराध के लिए उसे 20 साल तक की सजा सुनाई गई फेडरल प्रिजन के द्वारा। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम हैकर्स जो हमारे पर्सनल डेटा को पब्लिकली कर देते हैं इंटरनेट पे, माने अगर बात तो इंटरनेट पे कुछ भी सेफ नहीं है, अदरवाइज आप किसी से भी बचे हुए नहीं है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैकर्स रिलेटेड और भी इंटरनेट लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के न्यूज़ को, इस तरह की डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच